Friends, good afternoon. I am here with the second part of chapter 5 moments of CBSE class 9. तो हैप्पी प्रिंस द हैप्पी प्रिंस के हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया कि स्वेलो जो है वो इजिप्ट जाना चाहता है, लेकिन प्रिंस जो है उसे रिक्वेस्ट करता है, बड़े प्यार से बोलता है कि तुम जो एक रात मेरे साथ रुक जाओ, मेरे मैसेंजर बन जाओ और उस जो है सिमस्ट्रेस की हेल्प करो और मेरे तलवार से जो रूबी लगी हुई है उसको लेकर जो है उसके वहाँ छोड़ाओ या उसको दे दो. तो हम लोग डिस्कस करते हैं पेज नंबर 30 से. जैसा कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, जैसे कि प्रिंस ने कहा कि तुम एक रात मेरे साथ रुक जाओ, मेरा मैसेंजर बन जाओ, तो स्वेलो ने आवाज़ रिप्लाई किया कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ. My friends are flying up and down the Nile. मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी दूर चले गए हैं, नील नदी के पास पहुँच चुके हैं. Talking to the large lotus flowers. और large lotus flowers के आसपास बात कर रहे हैं. Soon they will go to sleep. और ये लोग जो हैं सोने जा रहे हैं. The prince asks to swallow to stay with him for one night and be his messenger. फिर से जो है प्रिंस उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ, मेरे मैसेंजर बन जाओ. द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ सो सैड, ही सैड. और उसने बड़े ही प्यार से दुखी होकर कहा कि देखो बच्चा जो है काफ़ी प्यासा है और जो माँ है उसकी वो काफ़ी उदास है. आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो. अब जो है स्वेलो को जाना है, वो बोलता है मुझे पसंद नहीं बच्चे, मैं नहीं करना चाहता. I want to go, मुझे जाना है इजिप्ट. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन happy prince जो है काफ़ी उदास लग रहा था, तो swallow जो है उस happy prince को उदास देखकर उसे काफ़ी दया आया. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन उसके पास जो अंत में वो swallow जो है उसकी बात को मान लेता है, बोलता है यहाँ ठंड बहुत है लेकिन चलो मैं एक रात रुक सकता हूँ और तुम्हारे मैसेंजर भी बन सकता हूँ. थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद. द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोर्ड एंड फ्लू अवे विथ इट इन इज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और जो है किस तरह से ये जो है वो लेके उड़ गया वो रूबी को उसके तलवार से और वो चला उस सिमस्ट्रेस के पास. तो ही पास्ड बाय कैथेड्रल टावर. और जो है रास्ते में क्या क्या पड़ता है मैं दिखा दे रहा हूँ. कैथेड्रल टावर इसको कहते हैं, कैथेड्रल टावर से गुजरता है वो. वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स इसको कह सकते हैं हम लोग. एंजल्स माने जिसको हम लोग देवता का दूत कहते हैं, उसका एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ मूर्ति वो देखता है रास्ते में. वेयर द वाइट मार्बल्स एंजल वर स्कल्पचर्ड. ही पास्ड बाय द पैलेस, ये पैलेस देख सकते हैं. वो राजमहल से गुजरता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है नाच गाने की और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलती है और बैल्कनी में अपने लवर के साथ. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल. और वो बातचीत करती है, वो बोलती है और यही जो है रानी है जिसका वो गाउन सिल रही है, वो लेडी टेलर. और वो बोली कि मुझे आशा है कि मुझे जो है तैयार मिल जाएगा अब मेरा गाउन. सी सेड एंड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट. और वो बोली कि इस पर फ्लावर भी एम्ब्रॉयड किया, एम्ब्रॉयड मतलब डिज़ाइन बनाना होता है. बट द सिमस्ट्रेस आर सो लेजी. और यहाँ देख सकते हैं ये एक तरह का ड्रेस है, गाउन इसको कहते हैं. इस पर बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए, इसी को एम्ब्रॉयडरी कहते हैं. ठीक है, और ये बॉल पार्टी है जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, तो इसी के लिए वो जो है वो गाउन अपना बनवा रही थी. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट. एक रिवर से पास होता है, वहाँ पर उसको एक लैंटर्न दिखाई देता है. ठीक है, ये लैंटर्न है, यहाँ देख सकते हैं ये लैंटर्न है और ये मास्ट है. मास्ट मतलब होता है बड़े बड़े जो शिप में जो कपड़ा लगा रहता है, तिरपाल वगैरह, उसी को हम लोग कहते हैं मास्ट. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो उड़ते हुए जाता है. रास्ते में जो जो चीज़ उसको मिलते हैं वो देखते हुए जाता है वो. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last, he came to the poor woman's house. और अंत में जो है उस poor woman के घर में वो पहुँचता है. उसके बाद क्या दिखता है,
द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन इज बेड. टॉसिंग मतलब होता है इधर उधर पलट रहा है वो, बुखार से फीवर था उसको. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. मदर उसके सो चुकी है. सी वॉज सो टायर्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड. और वो रूबी जो है उसके टेबल के बगल में वो रख देता है. वुमेंस थिम्बल. थिम्बल मतलब होता है जो ग्लोव्स होता है पहनने के लिए हाथ में, उसको थिम्बल कहते हैं. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. और वो जो है फिर उड़ता हुआ चला जाता है. फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विथ हिज विंग्स. और अपने पंख से जो है उसको हवा करता है बच्चे को. हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय. बॉय को जो है काफ़ी ठंड महसूस होती है. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू डेलिशियस सम्बर. स्लम्बर. स्लम्बर मतलब होता है स्लीप. और उसके होंकने से, हवा करने से जो है बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है और वो जो है सो जाता है. देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन. और वापस जो हैप्पी प्रिंस के पास पहुँचता है, वो बताता है क्या उसने किया. इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड. अब जो है उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है हेल्प करके. उसको बोलता है मुझे अब ठंड नहीं लग रही है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है, अच्छा लग रहा है. दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस. और प्रिंस बोला कि तुम्हें ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है. थिंकिंग ऑलवेज एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी. और जो है वो इस तरह से सोचते वो सो जाता है, क्योंकि सोचते सोचते जो है वो सो जाता है. वेन द डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ. डे ब्रोक मतलब होता है जब दिन होता है तब उठता है और वो नहाता है, स्नान करता है. टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, सेड द स्वेलो. एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट. और जो है वो कहता है कि आज तो मुझे निकल ही जाना है किसी भी तरह से. प्रॉस्पेक्ट मतलब होता है कि अब जो है पूरी तरह से वो डिटरमाइन हो चुका है कि अब मुझे निकलना है. ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट सेट ऑन अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल. और जो इस तरह से वो निकलता है वहाँ से, मोन्यूमेंट्स का मतलब होता है बहुत सारे इमारत पे वो बैठता है ऊपर, टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च के ऊपर टिप पे बैठता है, टॉप जिसको बोलते हैं स्टीपल. व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जैसे ही शाम होती है वो वापस जो है उड़ के चला जाता है हैप्पी प्रिंस के बाद. हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. अब जो है प्रिंस के पास पहुँचता है तो प्रिंस पूछता है. कमीशंस का मतलब होता है कोई अगर प्रगति है, प्रोग्रेस है तुम्हारे इजिप्ट जाने में, कोई प्रोग्रेस है, कोई मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं गए. आई एम जस्ट स्टार्टिंग. वो बोला कि मैं जो है एकदम स्टार्ट ही कर रहा हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस जो है फिर से उसको बड़े ही मधुर आवाज़ में बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर. क्या तुम मेरे साथ एक रात रह सकते हो. आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने कहा कि मैं जो है इजिप्ट जाने के लिए तैयार हूँ, वेट कर रहा हूँ, मैं जो है इजिप्ट जाना है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट. तो यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया. इसका कुछ पार्ट हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब वीडियो को देखिए, समझिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.